इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि हाउ टू असाइन ए प्लांट टू अ कंपनी कोड। मेरी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आप स्टेप बाय स्टेप हमारे तमाम ट्यूटोरियल को देखें ताकि आपको हर एक चीज क्लियर होती जाए। हमने हर ट्यूटोरियल में क्लियरली बताया कि कंपनी कोड क्या है, प्लांट क्या है, या हम वो उस वक्त डिपार्टमेंट को क्रिएट करते हुए हमने बताया। अब हम इन डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रहे हैं। तो चलते हैं हम इसे प्लांट को कंपनी कोड के साथ असाइन करने। हम एसएपी के सिस्टम के अंदर जाएंगे एंड राइट एस पी आर ओ इन कमांड ड्रॉर, प्रेस एंटर, देन गो टू एसएपी रेफरेंस आईएमजी, गो टू इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, देन क्लिक ऑन असाइनमेंट। असाइनमेंट करने के बाद हम लॉजिस्टिक जर्नल में जाने के बाद असाइन प्लांट टू कंपनी कोड। हमने जो प्लांट क्रिएट किया और कंपनी हमने क्रिएट की एसएपी सिस्टम के अंदर, उन दोनों को इंटरलिंक कर रहे हैं, ठीक है, राइट। और जिन व्यूअर को कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में एंटर करें, अपनी क्यूरी बताएं हमें और हम आपको इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। जी हम अपनी कंपनी को सर्च कर लेंगे, हमारा प्लांट क्या है। अगर हम प्लांट को देखें, हमने जो क्रिएट किया था PLPP, हमारे एक प्लांट का कोड था, सॉरी। क्लिक ऑन न्यू एंट्री, एंटर द कंपनी कोड। हमारी जो कंपनी कोड थी हम उसका कोड लिखेंगे PP01, प्रेस टैब, टैब की, और प्लांट का हम कोड लिखेंगे PLPP, प्रेस एंटर। ये देखें हमारी कंपनी कोड, प्लांट और SS वाटर टैंक हमारे प्लांट का नेम था और पेप्सी प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी नेम है। कंट्रोल एस करके हम इसे सेव कर लेंगे और ये का एक कंपनी कोड को प्लांट का कंपनी कोड के साथ असाइन कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेल ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड से किस तरह असाइन करते हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन को और परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट। हम ये स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हर ट्यूटोरियल में आप इसे लर्न करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारे इस और हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।